हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V27 Pro Android मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई भी कॉल आता है, इनकमिंग कॉल आता है, तो आपके मोबाइल फ़ोन से रिंगटोन की साउंड की आवाज़ तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल जो है ना स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, ये जो आपका फ़ोन ऐप होता है ये वाला, ये फ़ोन ऐप को आपको है ना इसका डेटा क्लियर करना है। डेटा क्लियर कैसे करेंगे कि आपको इसे उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, उंगली से दबा के रखेंगे तो इसे ऐप इन्फो का ये ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। अभी आपका ना फ़ोन ऐप का ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा, इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का नीचे ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका जो है ना ये क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैच का ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये तो भाई गलती से आप दब गया। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे पहले अगर क्लियर कैच का ऑप्शन दिखाई देता है, क्लियर कैच पे दबाना है और यहाँ पर ये कैच के सामने वाला ये ऑप्शन जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये क्लियर स्टोरेज पर टैप करेंगे तो यूज़र डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसे क्लियर स्टोरेज कर देना है तो ये देखिए ये जीरो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से ही आपका जो ऐप है, फोन ऐप, इसका डेटा जीरो हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से ये जो ऐप है ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से इस ऐप का डेटा जो है रीसेट कर देना है। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क सेटिंग होती है, नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है। नेटवर्क सेटिंग को आप रीसेट कैसे करेंगे कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पे सेलेक्ट करना है। अब इस पेज के अंदर आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका ये पेज में ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ। ठीक है, ये तीनों की तीनों आपके मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग होती है, इसके लिए आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखा है अपने फ़ोन पे उसे एंटर करना है। यहाँ पर अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये लिखा हुआ दिखाई देगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है तो कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे टैप करता हूँ तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाती है। ठीक है, तो जिससे आपकी इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रोसेस आपको ये कर लेना है और यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको स्टेटस बार ओपन करना है, इसमें आपका ये एयरप्लेन मोड होता है, एयरप्लेन मोड को आपको ऑन करना है, दो तीन सेकंड तक इसे ऑन रहने देना है, फिर इसे ऑफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस आपको ये कर लेना है और ये आपका डू नॉट डिस्टर्ब होता है DND। ठीक है, इसे आपको टैप करके ऑन करना है, इसे भी दो तीन सेकंड तक ऑन करके रखना है, फिर इसे ऑफ कर देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन को जो है ना रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, आपको मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है, पावर बटन को आप उंगली से दबा के रखिए तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें देखिए रीस्टार्ट का ये ऑप्शन है, रीस्टार्ट पर टैप करना है। ठीक है, रीस्टार्ट पे टैप करने से क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, इससे रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है वो दूर हो जाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन हैंग करता है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन स्लो वर्क करता है, इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को है ना लास्ट में रीसेट करना है। अगर ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी आपकी इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ना एक बार रीसेट करना है। रीसेट कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन करिए, सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, सिस्टम पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब सिस्टम के इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने से पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में से जितना भी डेटा है ना, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सारा का सारा डेटा जो है आपको किसी दूसरे कंप्यूटर, लैपटॉप में या फिर किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में या किसी दूसरे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है ना, आपकी यहाँ तक कि जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी का पासवर्ड होता है, वो भी आपको लिख के रख लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार इस इरेज ऑल डेटा पे सेलेक्ट करेंगे ना तो आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और आपकी जीमेल आईडी भी लॉग आउट हो जाएगी, तो जिससे आप जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन जो है ना रीसेट होने के बाद बिल्कुल ही नया हो जाता है, जैसा आप मोबाइल फ़ोन खरीद के लाए थे दुकान से। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है अंदर का सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया हो जाता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से आपकी इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आपके फ़ोन पे कॉल आती है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज़ आती है लेकिन शो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक लास्ट ऑप्शन बचता है रीसेट करने का, लेकिन इससे पहले मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए उन सभी प्रोसेस को आप यूज़ करके देखिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आपको लास्ट में रीसेट करना है, ठीक है।